ज्ञान मोती ग्रुप की एक नई प्रस्तुति। आइए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। बाबा ने कहा, जो कहते हो वो करना भी चाहिए, अर्थात कहने और करने में कोई अंतर ना हो। जैसे आप जानते हो कि विकार बुरी चीज है, औरों को भी सुनाते हो कि पवित्र रहना चाहिए, लेकिन खुद, बाबा ने कहा, खुद कई बच्चों की ये धारणा पूरी नहीं है, गृहस्थी में न्यारा होकर नहीं चलते। तो बाबा ने कहा, तुम जो सोचते हो या दुनिया को जो कहते हो, अब वो करके दिखाना है, क्योंकि आगे चलकर सर्विस कहने से नहीं, करने से होगी। तो कथनी, करनी और रहनी, जब यह तीनों एक हो, तब तुम कर्मातीत अवस्था तक जल्दी पहुंच सकेंगे। फिर बाबा ने यह भी बताया, सबसे खौफनाक मनुष्य कौन सा होता है। ये ऐसा शब्द बाबा ने किनके लिए यूज किया होगा, ध्यान से समझिए। बाबा ने कहा, दुनिया की बात तो छोड़ो, अपने दैवी परिवार के अंदर सबसे नुकसानकारक वो है जो अंदर एक और बाहर से दूसरा रूप रखता है। वह तो पर निंदक से भी जास्ती खौफनाक है। वह कभी कोई के नजदीक नहीं आ सकता, किसी का स्नेही नहीं बन सकता, सब उससे दूर रहने की कोशिश करेंगे। इसलिए आज से जो सोचते हो, जो करते हो, सिर्फ वही वर्णन करो, बनावटी रूप ना हो। बाबा के साथ, निमित दीदियों के साथ सच्चाई सफाई से चलना है। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।